नौकरी वाली, जोर से बोलिए नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा गया और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव मंच से संबोधन में बहुत कुछ कहते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने वहां मौजूद शिक्षकों से हाथ उठाकर पूछा कि आखिर कैसन बिहार चाहिए, हिंदू मुस्लिम वाला बिहार चाहिए या फिर नौकरी वाला। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सुनिए। आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए, हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली, जोर से बोलिए नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप सब लोग जो है, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था और इस पर हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू दैट यू ऑल विल बी गिविंग योर 100% एंड शो द पीपल हु हैव बीन क्रिटिसाइजिंग यू। तो बहुत बहुत शुक्रिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और आप सबको अंतिम बात कहते हुए हम अपने बात को समाप्त करेंगे कि हमने पहले भी कहा था बिहार में हमारा ये होश और जोश तथा मिशन और विजन का गठजोड़ है और हम लोग मिलकर के जो है सब लोग जो है काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे ले जाएंगे। ये सारा काम हो रहा है अपने बलबूते पे महागठबंधन सरकार, बिहार सरकार कर रही है नीतीश जी के नेतृत्व में। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोगों को केंद्र से सहयोग मिल जाता, स्पेशल पैकेज मिल जाता, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता जो उन लोगों ने वादा किया है, तो हम लोग समझिए कि राज्य देश में टॉप 5 स्टेट में हम लोग होते। लेकिन फिर भी अपने बलबूते GDP में टॉप 3 स्टेट में बिहार है। डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बिहार नंबर 1 है। काम कर रहे हैं और आगे काम करते रहेंगे और आप सभी लोगों को जो ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, सभी नवनियुक्त अध्यापक और आप सब लोग और पूरे बिहार के वासियों को हम बधाई देना चाहते हैं छठ पर्व के अवसर पर और जो दिवाली आने वाली है उसकी भी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय। तो आपने सुना कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में बिहार की एक एक उपलब्धियों को गिनाया और कम समय में BPSC ने जो इतने यानी कि 1,20,000 जो नवनियुक्त शिक्षक निकाले हैं उस पर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा कि बिहार ने इतिहास रच दिया है कि एक साथ इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। और वहीं तेजस्वी यादव ने यह भी वहां मौजूद शिक्षकों से पूछ डाला कि हाथ उठाकर बताएं कि आखिर आपको कैसा बिहार चाहिए, रोजगार वाला बिहार चाहिए या फिर हिंदू मुस्लिम वाला बिहार चाहिए। वो तमाम चीजें आपने सुनी और तेजस्वी यादव का जोश बहुत हाई था और वहां मौजूद जितने भी शिक्षक थे उनके जोश भी बहुत हाई दिख रहे थे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।